गुड इवनिंग एवरीवन। देखो कितने सारे कलियां खिल गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलियां खिल गए। पर इतने ज्यादा धूप में ना देखो सारे एकदम मिट्टिया सूख गए हैं। थोड़ा पानी डाल लो। आज फिर से पापा के घर से हम ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। पौधों में पानी देने के बाद अब हम पापा के बाल ट्रिम करेंगे। पर पापा बोल रहे थे उसे एकदम मुंडा कर देने को एकदम, तो हमने वो नोवा वाला ट्रिमर से ही ट्रिम करेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. सबको एक क्वेश्चन हर रोज आता है कि मेरा ये ट्रिमर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। देखिए आज मैं मेरे पापा का बाल ट्रिम किया और ये बहुत अच्छी तरह से काम किया। मुझे बाल कटना उतना अच्छी तरह से नहीं आता, इसीलिए थोड़ा इवन नहीं हुआ, नहीं तो ये एज ए ट्रिमर इट्स गुड। जोगी खेला रहे जाए चारो दो प्राते मुने रखो एक दिन जो दी पो रिया मोने चलो चलो जल नहीं देखा दे नो नो कोने तो बू ने रे को तुम मुने रे को हे छे मोने संसारो गोने नीर जोने सो जोने सों गे रो। बाबा इनहेलर नेबे ना? এই তো যাচ্ছি মা, নিয়ে না ভেপার নিতে আছে ইনহেলার অনেকগুলো জলদি। এমনি জল খাবে না গরম জল খাবে? দেখি এমনি জলই খাবো। আচ্ছা নিম্বু পানি বলে কি হিসাবে বটলে বিক্রি হয়? ওটা কি লেবুর রস? নুন চিনি জল, নুন চিনি লেবু দিয়ে যেটা সেটাই নিম্বু পানি। पापा थोड़े पहले ही ना कैसे गाना गा रहे थे, देख रहे थे आप लोग। अब इन्हेलर लेने के बाद थोड़ा यूट्यूब सर्च कर रहे हैं। आजकल ये चीज़ पापा बहुत अच्छा लगता है पापा को। देखिए पर आज थोड़ा ठीक है, कल फिर से पापा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। चलिए थोड़ा काम कर लेते हैं। पापा के कुछ गर्म के कपड़े हैं।
उठा लेते हैं अलमारी में, क्योंकि ये विंटर की इतने सारे कपड़े ना, स्वेटर वेटर बहुत ज़्यादा हो जाता है और सारा घर भर जाता है। तो कल पापा के घर में पापा की सारे जो गर्म कपड़े थे सब कुछ ठीक से संगवा दिया मैंने, और उसके बाद तो घर आ गए थे। एक्चुअली हुआ क्या है, कल बहुत टायर्ड थी मैं, कल क्या आज भी मैं बहुत टायर्ड हूँ, पता नहीं क्यों सुबह उठने का इच्छा नहीं हो रहा था, पर ढेर सारे काम है। और आज और एक बात है कि पापा को डॉक्टर को दिखाना है, उससे पहले टेस्ट है, उस वो लोग लैब वाले भी ब्लड वर्ड लेके गए हैं टेस्ट करने के लिए, इसीलिए। और दोपहर को भी और एक टेस्ट है, आएंगे ब्लड लेने, तो तब जाना है, या तो मैं जाऊंगी या तो मेरा बेटा जाएगा, इसीलिए काम करने का इच्छा भी नहीं हो रहा था, इसीलिए फ़ोन मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया मैंने, तो सोचा थोड़ा बातें कर लूँ। खाना कल ही पका के रख दी थी, आज चल जाएगा मेरा, इससे ही रोटी बना ली जल्दी जल्दी, क्योंकि रात में आने में देर हो जाएगा। ठीक नहीं लग रहा है तबीयत, कैसे जैसे मालूम हो रहा है कुछ बिना काम के बैठे रहूं एक जगह, और अकेला घर में बैठे रहने से कोई काम चलता है क्या, चलता नहीं ना, तो इसीलिए फिर से काम स्टार्ट कर दी। और ये सारे कल का लेफ्ट ओवर है, उससे आज का दिन हमारा चल जाएगा। लेफ्ट ओवर नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था मैंने, और बना के एक साथ रख दी थी, उससे चल जाएगा। शाम की 5 बजे रिपोर्ट देंगे वो लोग, और 6 बजे डॉक्टर के पास, वही लैब में ही उन्होंने बैठता है, तो वहीं दिखाएंगे। तब तक थोड़ा रेस्ट भी लेना है, मुझे बहुत रेस्ट लेने का मन कर रहा है। आप लोगों को मैंने मेरा ऊपर छत पर ना नीचे का जितने सारे प्लांट थे जितना हो सके ऊपर उठा दिया, क्योंकि बिना धूप के एक भी प्लांट में ठीक तरह से फूल नहीं आ रहा था, मिर्ची भी नहीं उग रहा था, इसीलिए मैंने सारे प्लांट ऊपर छत पे रख दिया। आप लोग एक दिन दिखाया था, और आज सुना है कि ऊपर एक गुलाब का फूल खिला है, जाएंगे देखने, अभी तक टाइम नहीं मिला, टाइम भी नहीं मिला और इच्छा भी नहीं हो रहा था फिर से ऐसे सीरी चढ़ के जाऊँ आऊँ। कुछ इस आयरन किया हुआ कपड़ा उसे अलमारी में रखना है, वो भी इच्छा नहीं हो रहा है, कैसे लेजी लेजी सा रख रहा है। दोपहर की 1:15 बजे मुझे टाइम मिला कि थोड़ा छत पे जाके देखेंगे कि मेरा गुलाब का फूल कैसे खिला, और वो पॉइनसेटिया का कटिंग लगाई थी ना, एक चल गया, देखिए ढेर सारे लगाए थे पर एक ही चला, ये देखिए ये एक ही चला है, और दूसरे में तो कोई पत्ता नहीं खिला। हाँ कितने सारे धूप, अरे बापरे बहुत सारे फूल खिले, अरे भाई रे भाई, मैं कितने दिन नहीं आई, मेरा ये मनी प्लांट मुरझा गया पता नहीं क्यों। पिछले साल ना इस प्लांट पे ढेर सारे पैशन फ्लावर हुआ था, और एक नीचे सेम प्लांट है पर उसमें एक भी नहीं फूल खिला। एक्चुअली धूप का बहुत ज़रूरत है, नीचे उतना धूप मिलता नहीं है ना, इसीलिए ये हाल है। धूप लगते ही देखिए ये जो गंधराज फूल का जो प्लांट है ना, 2 साल पुराने हैं, पर नीचे इतना कम धूप मिलता था कि कलियाँ ही नहीं निकलते थे, और निकलते थे फिर गिर जाते थे, इसलिए ऊपर उठा दिया। देखिए कितने सारे कलियाँ आया है, खिलेगा कि नहीं पता नहीं पर आया है, प्रॉपर धूप मिल रहा है यहाँ। और ये देखिए बेलिप्स का प्लांट, कितने सारे पत्ते आए, देख के मन एकदम खुश हो जाता है मेरा। पर यहाँ
एक भी एडेनियम का पौधे में कली नहीं आई। इन्हीं नहीं, एक आ रहा है शायद, आ रहा है ना, देखिए मालूम हो रहा है कि आ रहा है, शायद 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 शायद। आ जाओ भाई, आ जाओ। मेरा और एक एडेनियम का प्लांट है, वो कहाँ है? ये मेरा हस्बैंड कहाँ क्या रखता है मुझे कभी कभी। हाँ यहाँ है और एक है, इसमें भी कलियाँ नहीं आया, पर मेरा और एक है नया वाला जो लाई थी उस दिन, देखा छोटू सा और एक है। अरे भाई रे भाई, ऊपर रख दिया, देखिए टैंक पर रख दिया, देखिए टैंक के ऊपर रख दिया। यहाँ आते ही देखिए सारे प्लांट में कलियाँ खिलने लगा, इसका मतलब धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन लोगों को। सीडलिंग से निकला हुआ मेरा पारिजात का प्लांट, ये पिछले साल लगाए थे, और दो है बेगोन वेलिया दोनों तरफ है। यहाँ भी नए पत्ते आ रहे हैं, पर ये कौन सा प्लांट है पता नहीं, पर उठाने में अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ देखिए फूल भी आ गए, अरे वाह। ये देखिए छोटू सा प्लांट में कितने अच्छे फूल आ गए, देखिए ये जो मेरे घर के सामने वाले जो मकान है उसमें देखिए कितने सारे टमाटर हुआ है, ये लोग उठाते नहीं, उठाते भी नहीं है, खाते भी नहीं है। और मुझे ना कैसा लगता है कि मेरे घर में एक भी टमाटर प्लांट में उग नहीं रहा है, और ये लोग तो ऐसे रहते हुए भी खा नहीं रहा है। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा धूप है, इतने धूप में ना और रहा नहीं जा रहा है। नीचे चलिए, ओहो जूते, देखिए मेरा बेटा जूता सुखाने को दिया है, ले कौन जाएगा, मैं चलो जूता लेके चलो। रिजु शूज तुम्हारे। हाँ आप लोगों को और एक चीज दिखाए, बिल्लियों को अंदर आना बंद करने के लिए ये देखिए नेट लगा दिया हमने, नहीं तो सारे एकदम इधर उधर हो रहा है। और एक चीज दिखाया नहीं ना आप लोगों को, तेरे दिखाते कहाँ से दिखाए। देखिए मेरा ये वाला बेगुन ले लिया, कैसे कितने अच्छी तरह से खिला है, देखा आप लोगों ने कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे आप लोगों को दिखाना चाहती थी पर भूल जाती हूँ, ये देखिए ये एक मिठाई का हाड़ी था, इतना खूबसूरत सा लग रहा है ना। ये बनाया कौन बनाया, मैं नहीं, मुझसे इतना अच्छा काम नहीं होता, मेरे हस्बैंड ने बनाया। जब उन्होंने ये सब करते तब वो रिलैक्स हो जाते हैं सारे काम से, अच्छा है ना। लोग देखिए इस्त्री करके ऐसे चारों ओर फैला हुआ है, उठाने का इच्छा नहीं हो रहा है, अब उठाऊंगी, जरूर उठाएंगे। लड़का जा रहा है पापा के पास क्योंकि पापा अकेला संभल नहीं पाएगा। हमेशा शैतानी, पढ़ाई भराई कुछ नहीं, ये लोगों ने मुझे क्या समझा। हाँ समझ गई, तुम लोग ले जाना भूल जाते हो और मुझे ये सारे काम करना पड़ता है। जल्दी जल्दी जाओ, उन लोगों का आने का टाइम हो गया है। हाँ ना, अगर इस ये खा लेगा तब तो इसे कहीं हिलाना बहुत मुश्किल है।
देखिए मेरा बेटा क्लीन कर रहा है कौवा टट्टी। तो आज यही तक, ये वीडियो कल शाम से स्टार्ट हुआ है, अभी तक एंड नहीं किया। और अभी पापा की डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाना भी है। नहा धो लिए, अभी खाना खा के थोड़ा आधा घंटा लेट जाऊंगी, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाऊंगी पापा को। तो आज यहीं तक, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई ब्लॉग में। बाय।